हाँ अखिलेश जी स्वागत। हाँ संजय जी, अखिल प्रताप सिंह भदौरिया ग्वालियर से। हाँ जी हाँ। और आपकी हमने पोस्ट देखी, ठीक है, जो भी आप कर रहे हैं भौतिक रूप से जो आप ठीक कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, अप्रिशिएबल है। लेकिन क्या है कि मैं अपना ही बताऊं केवल अनुभव आपको। जी हाँ, तो अपना अनुभव बताइए। देखिए मेरे कहने का मतलब है, आपका अनुभव, आपका अपना अनुभव है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। किसके पक्ष में है, किसके विपक्ष में है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। तो मैं आपको बताऊं कि बाकी आप अनुभववादी केवल बात होती है, तो मैं और कहीं नहीं गया। जितने भी ये दरबार चल रहे हैं, झूठ नहीं बोलना एक विषय है ना, क्योंकि ये पब्लिक आप जितना जितना सच और बताएंगे ना, उससे लोग क्या होगा कि आपके अनुभव से लोग प्रेरणा लेते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, निष्पक्ष होकर ही अपन को बताना है। बिल्कुल निष्पक्ष होकर एक हमारा निवेदन आप चलिए पहले हमारा अनुभव सुन लो। आप हमारा अनुभव करौली सरकार का है। करौली सरकार का जो अनुभव है, हम अपनी आध्यात्मिक सोच के हिसाब से बताते हैं कि हमारी उम्र है 56 वर्ष, ठीक है ना जी। और 56 वर्ष की उम्र होने के बाद ये मानो आप कि बहुत कुछ है और कुछ भी नहीं है हमारे पास। जीवन से फंसा हुआ हूँ मैं जिंदगी से, ठीक है। और अभी अभी हमको केवल मैं जनवरी 22 को पहुँचा हूँ दरबार में, उसके चार पाँच महीने से मैं एनालाइज कर रहा था, क्योंकि किसी न किसी धार्मिक सिस्टम से निकाल रहे थे जीवन को। तो जनवरी से पहुंचने के बाद ना, और आज तक बीच में ये लॉकडाउन लग गया, तो लॉकडाउन अगर नहीं होता तो कुछ और भी जल्दी हो जाता। वहाँ पर ईश्वर की चमत्कारिक अनुभूति है करौली सरकार के दरबार में जी। और ये मांग इतने कहीं से कहीं तक कोई भी धोखा थ्रो। हाँ जी, लाइन कट गई, आप बोलिए। हाँ, असंतुष्ट तो आदमी भगवान से भी रहता है, लेकिन और किसी के बारे में हम गए भी नहीं, नाम किसी की कोई बुराई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो भी है तो बिल्कुल सच्चाई है, 100% सच्चाई। कहीं से कहीं तक कोई भी प्रॉब्लम हो, गलत बात नहीं है। आपका अपना अनुभव बहुत अच्छी बात है, हम तो यही चाहते हैं कि लोगों का भला हो, और अगर आपका आपका हित हुआ है, आपका अच्छा हुआ है, तो दरबार की शक्तियों के प्रति हमने कभी संकोच या कभी कोई वो आशंका व्यक्त नहीं की। हर दरबार की अपनी शक्तियाँ होती है, सभी शक्तियों का सम्मान करते हैं, लेकिन तकलीफ क्या होती है कि जब आप जैसे ही अन्य लोगों के मन में सवाल आते हैं कि भाई हमारी सार संभाल नहीं हो पा रही है, हमारा कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा है, हम जब अपनी बात कहते हैं कि हम तकलीफ में हैं वहाँ से जाकर आने के बाद में, तो हमें तकलीफ क्यों है, उसका निदान क्यों नहीं मिल रहा है, संपर्क नहीं हो पा रहा है। ये किसी भी दरबार में हो, देखिए डॉक्टर के पास जब कोई मरीज जाता है तो बहुत बड़े विश्वास के साथ जाता है, और डॉक्टर की पर्ची पर जो उसका एक फ़ोन नंबर लिखा होता है उस पर एक डॉक्टर को वो रात को 12 बजे भी फ़ोन कर सकता है। हालांकि ये उचित नहीं होता, लेकिन जीवन मरण का सवाल होता है तो डॉक्टर के लिए ये जिम्मेदारी बनती है। तो ये भी एक डॉक्टर है, वो सूक्ष्म जगत के डॉक्टर हैं, ये सूक्ष्म जगत के डॉक्टर हैं, और हमारे ये जो डॉक्टर हैं वो स्थूल जगत के डॉक्टर हैं। तो मैं तो मानता हूँ स्कूल जगत के डॉक्टर से भी ज्यादा चमत्कारी, ज्यादा प्रभावी सूक्ष्म जगत के डॉक्टर हैं, और इनकी जिम्मेदारी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, और इसीलिए इन पर श्रद्धा होती है, इसीलिए लोग इनको प्रणाम करते हैं, इसीलिए लोग इनकी जय जयकार करते हैं। लेकिन अगर इस श्रद्धा आस्था का जो बात है उस पर अगर बहुत सारे लोगों की ये बात आ जाए तो मन में तकलीफ होती है। अगर यही बात अखिलेश जी आप जैसी आवाज अगर हमको सब तरफ से सुनाई देती तो हमें भी बहुत खुशी होती, बड़े गर्व के साथ हम भी कहते। लेकिन चलिए, अच्छे और कड़वे दोनों अनुभव आए हैं, कड़वे अनुभव के बाद में ये अच्छा अनुभव भी हमारे पास आया है, हम इस अच्छे अनुभव को भी हम प्रसारित करेंगे। ये अलग बात है, लोग हम पर इल्जाम लगाते हैं कि हम इधर मिले हुए हैं उधर मिले हुए हैं, अभी देखिए चलाकर मैंने आपको फोन किया है। हाँ नहीं, आप मिले कहीं नहीं हो, आप तो क्या है, आप कहीं नहीं मिले, आप भौतिक हिसाब से काम कर रहे हैं। और आपको बताऊं कि आध्यात्मिक स्थानों को भौतिक पद्धति से सर्च करना मेरे ख्याल से सो मैनी टिपिकल। मैं आपको बात बताता हूँ, मेरा भी काफी आध्यात्मिक अनुभव है, और जो आप कर रहे हो इस क्षेत्र में भी हमारा अच्छा अनुभव है। अखिलेश जी, मैं एक ही बात कह रहा हूँ, सुनिए, वैसे अपना वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं सिर्फ एक ही बात कर रहा हूँ। देखिए मैं कुछ भी नहीं कर रहा, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर रहा, मैं तो जैसे आपने कहा
तो आपकी आवाज ऐसे कैसे दे दूंगा, किसी भाई ने और कहा उसकी आवाज को मैंने ऐसे कैसा दे दिया। लोगों के जो अनुभव है उनका निचोड़ में जरूर रखता हूँ। बिल्कुल ठीक बात है। जो आप वीडियो में अभी अभी जो आपने बड़ी लंबी सी बात की, अगर आपको उसका जवाब चाहिए हमसे तो हम उसका भी जवाब दे सकते हैं कि वो बात क्यों नहीं हो पा रही, क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। नहीं, वो जवाब फिर मिला है और अब आप बोल रहे हैं कि अब होने भी लग जाएगा, अब होने अच्छी बात है। देखिए मैं मुझे ये नहीं है कि मैं कि वो दरबार मुझे जवाब दे, ये दरबार मुझे जवाब दे। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि हम जो भी मीडिया के माध्यम से जो भी बात जाती है सभी लोगों को ध्यान से सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। जो आपकी खूबी है उस खूबी को बरकरार रखो, जो खामी है उसको ठीक करो। किसी के अंदर भी खामी आ सकती है। असंतुष्ट लोगों के लिए मैं आपको जवाब देता हूँ। असंतुष्ट लोगों के लिए जवाब ये है कि इसमें क्या है, मैं काफी गहरा से जुड़ा हुआ हूँ, गया तो मैं अभी अभी हूँ, हमने लाभ भी लिया है, हमने वहाँ की शक्तियों को भी समझा है और किसी दूसरी जगह की बुराई का सवाल ही नहीं। मैं जब गया ही नहीं तो मैं किसी की बुराई क्यों करूँ, है ना। तो मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, जहाँ भी जो कुछ है कुछ ना कुछ तो होगा ही, कहीं कम कहीं ज्यादा। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि जो जो संपर्क नहीं हो पाता और ये वो इस सब के पीछे लोगों को नुकसान क्या है कि लोग वहाँ उसको अस्पताल और दुकान की तरह जाते हैं कि इतने पैसे खर्च किए और ऐसे किया और पटाखा का काम हो जाना चाहिए। हर जगह एक सिस्टम होता है, ये वहाँ जो भी हो रहा है ना, ये आप यकीन मानो अगर आप भी मुरीद हो जाएंगे अगर आप चले गए तो। ये वहाँ प्रारब्ध में हेरफेर हो रहा है, प्रारब्ध का हेरफेर एक झटके से नहीं होता। सर प्रारब्ध में हेरफेर हो भी नहीं सकता, मैं इस बात से असहमत नहीं हूँ आपकी बात से। नहीं, कोई देवी अगर प्रारब्ध में हेरफेर होता ना तो भगवान राम को वनवास नहीं भोगना पड़ता, भगवान कृष्ण को तीर से जो है स्वर्गवास नहीं होना पड़ता। प्रारब्ध में हेरफेर नहीं होता। राम और कृष्ण का उदाहरण आप इसलिए नहीं दें कि उन्हें तो ये लीला करना थी, अगर आप आध्यात्मिक बात करते हैं तो इंसान के किसी के साथ नहीं हो सकता। सर प्रारब्ध में हेरफेर किसी की हेरफेर नहीं हो सकती, ये रेमेडी हो सकती है। अगर आपकी घटना चक्र वो लिखी हुई है तो उसमें संयोग बनते हैं अच्छे और बुरे के, वो बात अलग है। आज मेरा और आपसे बात करने का संयोग लिखा है, आप संयोग लिखा है, तभी हमारी बात हो रही है। अपन इस बहस में ना पड़ेंगे, अपनी बहस हो जाएगी। मैं आपको वहाँ जो भी होता है थोड़ा सा आपके लिखे का हेर फेर के हिसाब से होता है। जब सब कुछ लिखे जाने का लाभ क्या है? सर मैं आपकी सही बात मान लूँ, मैं उन लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ जो प्रक्रिया में पेशेंस भी होना चाहिए, आपकी बात को मैं मानता हूँ। लेकिन एक महीने भग जाते हैं 30 साल की परेशानी जो चाहते हैं एक महीने में। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ सर। एक डॉक्टर ने आपको कह दिया भैया आपकी आपकी बीमारी को 6 साल लगेंगे ठीक होने में, आपको दवा लेनी है, ठीक है ना। वो व्यक्ति दवा लेना शुरू हो गया, दवा लेने के बाद में अगर उसको कोई तेज इन्फेक्शन हो गया तो सर वो डॉक्टर को कवर करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल ठीक बात है। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ, मैं उसी का जवाब तो दे रहा हूँ, आप सुनिए तो प्लीज एक मिनट। वो जो बताते हैं वो ये बताते हैं कि ये आपको हमसे बार बार मिलने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पे जो भी काम है सूक्ष्म शक्तियों से ऑटोमेटिक हो रहा है और इस बात के अभी आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। पता नहीं क्यों असंतुष्ट लोग होंगे, 25% तो संतुष्ट हैं, 75% तो ऐसा नहीं है कि उनसे बार बार मिलना है, वहाँ सब कुछ ऑटोमेटिक। संसार का पहला ऐसा दरबार है हमारे 56 वर्ष की उम्र में भटकते कि यहाँ एवरीथिंग इज सेटल्ड, ऑटोमेटिक होती ऑटोमेटिक। सर जो लोग असंतुष्ट है ना सर, उनको जीवन मरण का सवाल हो गया था, मरने जैसी बात आ गई थी और आप कह रहे हैं मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ जो असंतुष्ट है, मुझे भी मालूम है। मैं भाई गहराई से आपकी भी वीडियो सुन रहा हूँ, असंतुष्ट जो है उनको भी अभी महीना जुम्मे हुआ एक सर बात सर बात मैं दवा लेके आया और मेरे को दिक्कत हो गई तो सर डॉक्टर से पूछूंगा तो सही, डॉक्टर ये तो बताएगा कि इस दवा से आप दिक्कत होगी, आप ये चीज ले लो, ये तो बताएगा। अब उसका क्या है कि लाखों लोग जुड़े हुए हैं, लाखों की संख्या। तो सर एक बात सर आप रख ले थी, प्लीज आप श्रद्धा से बोले मुझे स्वीकार है, मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ तर्क के साथ बात हो। सर लाखों लोग जुड़े हुए हैं, लाखों लोग जुड़े हुए हैं तो सर एक IT सेल बैठ सकती है लोगों को एक नहीं सर देखिए मैं ठीक है मैं ये नहीं कह रहा हूँ Thank you.
सर लाइन डिस्कनेक्ट हो रही है कहीं आप या किसी जगह है। मैंने दोबारा लगा दिया, आपकी बात बिल्कुल सत्य है। लॉकडाउन के पहले एक उन्होंने इंक्वायरी वाला लड़का बैठा भी रखा था और अभी बैठाना चाहिए दो चार पांच नंबर ऐसे हों कि जैसे मैं आपसे बता रहा हूँ, अगर मैं ही जैसे नहीं हूँ तो मैं लोगों से कह लूँ ऐसा वैसा तो लोगों को समझ में आए। परेशान आदमी तकलीफ में होता है, वो घबराता है बड़बड़ाता है, ये बात आपकी सत्य है ना। चलिए सर, आप हमसे जुड़े अखिलेश जी, बहुत बहुत आभार, आपकी बात जाएगी बहुत जल्दी वीडियो में, और बहुत बहुत आभार आप हमसे जुड़े, आपने अपनी बात रखी। हम सिर्फ इसी आशा रखते हैं कि दैविक शक्तियों के दरबारों में न तो गरीब और अमीर के बीच भेद हो। सर हाँ बार बार कट हो रहा है। हाँ कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊँ यहाँ कोई भेद नहीं, ये भी सुन लो आप, अगर आपको पता ना हो तो सर, कोई भेद है। सुनिए मैं इतना बोल रहा हूँ ना, मैं तीन से छह महीने तक सभी के वीडियो बहुत गहरे से, मुझे ये मालूम नहीं था कि मुझे इस बात के लिए बोलना पड़ेगा, लेकिन मेरे मन में एक सम्मान हो गया था। मैं ज्योतिष का साधक हूँ, मुझे भी ऐसा लगता था कि इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही है, इसलिए मैंने बहुत सब चीजें अच्छे ढंग से देखी है। मैं दान पात्र की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि किसी के पास 1500 रुपए या 200 रुपए, 500 रुपए, 1100 रुपए, 2100 रुपए नहीं हो, या 2100 रुपए वाला ही मिल सकता है, या किसी के पास 5100 रुपए वाला मिल सकता है, ये जो भेद है ना सर, वो भेद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बता रहा हूँ इसका भी जवाब आपको दे रहा हूँ। क्या है कि जैसे मिलने की बात कर रहे हो आप या प्रक्रिया की, प्रक्रिया तो बिल्कुल निःशुल्क है। हवन करने के लिए जो लोग अगर कहते हैं ना हमसे कहा वो गलत कहते हैं, बिल्कुल नमन से वहाँ हजारों लाखों लोग ठीक हो रहे हैं केवल नमन करने। सर हो सकता है आपकी बात, आप हेलो अखिलेश जी बोलिए सर, मैं बिल्कुल बार बार लाइन कट रही है, बहुत बार व्यवधान हो गया। फिनिशिंग टच में आते आते यही कहूंगा, आपकी आस्था, आपकी श्रद्धा आपने समर्पित की, लोगों तक पहुंचा दी जाएगी, और बहुत बहुत आभार आप हमसे जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहाँ से? ग्वालियर से है ना सर? ग्वालियर मध्य प्रदेश से। हाँ मध्य प्रदेश से। अभी कैसा है, लॉकडाउन वगैरह चल रहा है? लॉकडाउन शनिवार इस बार को रहता है। अच्छा है अभी? हाँ शनिवार इतवार को लॉकडाउन हो जाता है, बाकी टाइम खुल जाता है। और वैसे सही है, कोरोना की स्थिति ज्यादा गंभीर नहीं है आपके ग्वालियर में? नहीं नहीं बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है। चलिए बहुत अच्छा, ख्याल रखिएगा है। अगर ये आप रिकॉर्डिंग पर ही डाल रखा हो तो कुछ बात मैं आपसे करूँगा, आप चाहें तो। नहीं है तो सर रिकॉर्डिंग में, लेकिन वो बहुत कट गया ना सर, उसको फिर मुझे लगाने में बहुत दिक्कत होती है, मुझे इसको फिनिशिंग टच पे ही रखना था। और ठीक है तो इसको कोई बात कर नहीं, और बात आपसे व्यक्तिगत कहना चाहता हूँ, तो फिर बाद में बात कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पे कर लीजिएगा। ओके 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 ओके।